गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडेज आवर टॉपिक इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बट फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि टेंस क्या होता है। ओके, नाउ टेंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो टेंस होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट डिनोट्स द टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस वेदर समटाइम इन द पास्ट इन द प्रेजेंट और विल टेक सम टाइम इन द फ्यूचर। देखो जो टेंस होता है वो उस टाइम को परफॉर्म करता है जब जो है एक्शन जो है वो परफॉर्म या तो पास्ट में हो चुका हो या प्रेजेंट में हो रहा हो या फ्यूचर में होने वाला हो। उस एक्शन के परफॉर्म्ड होने के टाइम को डिनोट करता है। डिनोट कौन करता है टाइम को? टेंस करता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, यू नो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। थ्री टाइप्स होते हैं टेंस की। आगे भी इन टाइप्स को भी, इस टाइप्स के भी आगे सब पार्ट्स होते हैं, डिवाइड किया होता है इसको। जैसे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, और आपको ये भी पता होता है पास्ट टेंस क्या होता है। जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, जो भी हमारा एक्शन होता है वो परफॉर्म्ड हो चुका होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? पास्ट टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट, जो भी हमारा एक्शन होता है वो परफॉर्म्ड हो रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एंड फ्यूचर टेंस, जो भी हमारा एक्शन है अगर वो परफॉर्म्ड होने वाला हो तो उसको क्या कहा जाता है? फ्यूचर टेंस कहा जाता है। ओके, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन डैट इज़ कॉन्टिन्यूस और गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? वो उस एक्शन को शो करता है जब जो हमारा एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। अब देखो जो मेरा एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में ही चल रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाएगा। ओके, यूज़ ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट हैज़ अ फ्लोइंग यूजेस। फर्स्ट वन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन एक्चुअली हैपनिंग और कॉन्टिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है, जो एक्शन उस टाइम जब हम उसके बारे में बोल रहे होते हैं तब हो रहा होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ आई एम वॉचिंग द टीवी। नेक्स्ट, टू इंडिकेट एन एक्शन अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर। ये उस एक्शन को इंडिकेट करता है जो फ्यूचर में होने वाला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ वेट, आई एम कमिंग, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं आ रहा हूँ, इसको क्या कहा जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखो यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि हमें जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, तो इसके आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? इसमें सेंटेंस के एंड में हमेशा रहा है, रहे हैं, रही हैं, इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, वह खेल रही है,
मम्मी खाना बना रही है, पापा बाज़ार से आ रहे हैं। अब देखो, जो भी मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंस बोले हैं, वाक्य बोले हैं, मैंने उस सेंटेंस के एंड में हमेशा रहा है, रही है, रही है का ही यूज़ किया है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ये क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन है कि सेंटेंस के एंड में हमेशा किस चीज़ का यूज़ होता है, रहा है, रहे है और रही है का यूज़ होता है। अब देखो इसमें रूल क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मीन्स कि इज एम आर प्लस में वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। फॉर्मेशन देखो कैसे होगी, सबसे पहले हम आपको पता है अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में आईएनजी का यूज़ करेंगे, प्लस में हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और आपको ये भी पता है कि ही शी इट इन सब के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, वी के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ अगर हमें सेंटेंस बनाना है, अगर हम अभी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टीवी देख रहा हूँ, तो इसमें जो मैं है, मैं जो वाक्य जो वर्ड है मैं, वो क्या है, वो सब्जेक्ट है, टीवी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, देख रहा हूँ मीन्स कि मेरे द्वारा क्रिया की जा रही है, देख रहा हूँ मैं, तो देखने को क्या बोलते हैं, वॉच, रहा है, रहे हैं, रही है का यूज़ हो रहा है देखो यहाँ पे। तो ये कौन सा हमारा सेंटेंस है, कौन सा हमारा सॉरी टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका अगर हमें पॉजिटिव टेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, मैं जो हूँ सब्जेक्ट होगा तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, आई, मैंने फिर बताया कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है तो आई के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एम का, आई एम देख रहा हूँ, देखने को वॉच प्लस में आई एन जी वॉचिंग, आई एम वॉचिंग द टीवी। तो हमारा ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम वॉचिंग द टीवी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पीछे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, नोट का यूज़ करेंगे। तो आई एम नोट वॉचिंग द टीवी, तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट से पहले किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, एम आई वॉचिंग द टीवी। तो और लास्ट में हम किस चीज़ का यूज़ कर देंगे, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव हमारा सेंटेंस है ना ये, तो हम लास्ट में किस चीज़ का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देंगे। ओके, अब देखो अगर हमारा, अगर मैं ऐसे बोलूं कि वह टीवी देख रहा है तो हम क्या करेंगे, ही इज़ वॉचिंग द टीवी। अगर मैं ये बोलूं कि मैं टीवी, वह टीवी नहीं देख रहा तो ही इज़ नॉट वॉचिंग द टीवी। क्या वह टीवी देख रहा है, इज़ ही वॉचिंग द टीवी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।